मंच पर उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मायावती जी, दूसरे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल आदरणीय अजीत सिंह जी, मंच पर उपस्थित सतीश मिश्रा जी और तीनों दलों के सभी वरिष्ठ नेतागण, इस सभा में आए हुए बड़ी संख्या में हमारे सभी किसान भाई, बुजुर्ग, माताएं बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करना चाहता हूं। मैं उनके लोगों को और दोनों दल के लोगों को बधाई देना चाहता हूं इस ऐतिहासिक जनसभा के लिए। मैं जिन्हें देख पा रहा हूं और दूसरे मंच में बैठे हैं तमाम हमारे नेता, और आई हुई जनता से हम निवेदन और अपील करना चाहते हैं, ये चुनाव इतिहास बनाने का चुनाव है और सहारनपुर की जनता और आसपास की जनता से हम विशेष निवेदन करने आए हैं। वैसे तो यहां के क्षेत्र की और आसपास क्षेत्र की बहुत विशेषताएं हैं। आसपास के जिस जिले को देखें बहुत विशेषताएं हैं, लेकिन हम कहना चाहते हैं जहां पर एक तरफ माता शाकुंभरी देवी का प्राचीन मंदिर है, वहीं दूसरी तरफ दारुल उलूम भी एक तरफ खड़ा दूसरी तरफ है, जहां एक तरफ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और माता के दर्शन पाकर के आशीर्वाद लेकर के जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ दारुल उलूम से पढ़ करके न जाने कितने लोग दुनिया में मोहब्बत का पैगाम फैलाने का काम करते हैं। आज जो ये चुनावी जनसभा हो रही है, ये तब चुनावी जनसभा हो रही है जब सब पार्टी के लोगों के आपने विचार सुन लिए हैं। ऐसे भी नेता लोग आए जो नफरत के अलावा कुछ बोले नहीं होंगे। अगर उनसे पूछो कि पुराने जो वादे किए थे वो अब कहां हैं, जो पिछले चुनाव में बड़े बड़े वादे किए गए थे वो वादे कहां हैं, उन वादों पे वो बात नहीं करना चाहते हैं। पहले हमारे वो बीच में आए और चाय वाला बनकर के आ गए। हमने आपने जनाए कितने लोगों ने भरोसा कर लिया, वो अच्छे दिन का भरोसा किया, वो 15 लाख का भरोसा किया, वो करोड़ों नौकरी का भरोसा कर लिया, और फिर चुनाव आया है तो कहा जा रहा है कि हम चौकीदार बनकर के आए हैं। मैं इस जनता के सामने भरोसा दिलाना चाहता हूं, आदरणीय मायावती जी के सामने मैं कह सकता हूं, अजीत सिंह जी के सामने मैं कह सकता हूं, यही गरीब किसान, दलित, अल्पसंख्यक, यही पिछड़े इस बार मिलकर के एक एक चौकीदार की चौकी छीनने का काम करेंगे। ये चुनाव भविष्य का चुनाव भी है। देश किस दिशा में जाए, किन फैसलों को लेकर के जाए, लोग कहते गठबंधन, हमारे गठबंधन को कह रहे हैं मिलावट का गठबंधन। जहां जाओ डर करके भाषा बदल गई और ऐसी भाषा बदली
न हिंदी में कुछ समझ में आया और जो उर्दू में समझ में आया वो न जाने क्या चीज थी। लगता शराब बोलने वाले लोग सत्ता के नशे में हैं, वो तमाम अपने सपने भूल गए। ये गठबंधन ये मिलावट का गठबंधन नहीं है, ये महापरिवर्तन का गठबंधन है और देश में एक नई सरकार देने का गठबंधन है। नई सरकार देने का गठबंधन और नया प्रधानमंत्री बनाने का ये गठबंधन है। ये सब कुछ मिटाना चाहते हैं, हमारे आपके दिलों के दूरी करना चाहते हैं, खाई पैदा करना चाहते हैं। आदरणीय अजीत सिंह जानते चरण सिंह जी की विरासत को खत्म करना चाहते हैं। यही गठबंधन है जो चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को भी बरकरार रखेगा, उस विरासत को आगे बढ़ाने का काम भी यही महागठबंधन करने जा रहा है। ये गठबंधन कभी आदरणीय नेताजी ने और माननीय काशीराम जी ने, आदरणीय मायावती जी ने किया था, और कभी इसी तरह का सपना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने देखा था, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने देखा था। वो जो सपना देखा था, आज कम से कम ये गठबंधन उस सपने को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहा है। हम आप टीवी देखते रह गए और टीवी पर पैर धोए जा रहे थे, और जब हमने मुड़ करके देखा तो हमारे दलित भाई पिछड़े और संघ भाइयों की नौकरी धो डाली इन्होंने। न नौकरी न रोजगार, ये पहली सरकार है जो वादा करती है उस वादा के खिलाफ काम करती है। इन्होंने वादा किया कि अच्छे दिन लाएंगे, बुरे दिन ला दिए हमारे और आपके। इन्होंने कहा कि हम भ्रष्टाचार मिटा देंगे, काला धन आ जाएगा, लेकिन हमारा आपका पूरा का पूरा बैंकों में पैसा जमा करा लिया। जीएसटी से बड़े लोगों को लाभ हुआ होगा, लेकिन हमारे वैश्य भाई छोटे दुकानदार छोटे कारोबार करने वाले को कोई लाभ नहीं हुआ, परेशानी पैदा हो गई। और हमारे व्यापारी भाई तो बीजेपी में केवल लंच और मंच के लिए रह गए, उनका कोई कारोबार आगे नहीं बढ़ा है। इसलिए आपसे हम निवेदन करने अपील करने आए हैं, ये किसानों की धरती है, यहां के लोगों ने अपने खून पसीने से बहा करके यहां पर खेती उपजाऊ की है, और जिस समय देश में अन्न नहीं था उस समय यहां के लोगों ने अन्न पैदा कर करके पूरे देश का पेट भरने का काम किया है। यहां के लोगों ने गन्ना पैदा कर करके, गन्ना गोवा का करके पूरे देश को मिठास से जोड़ने का काम किया। लेकिन हमारे आपके खेतों पे गन्ना खड़ा रहे, इनको कोई परवाह नहीं है। इसे ठीक कहा आपने कि आपकी सरकार में कार्रवाई हुई, पुरानी सरकारों में कार्रवाई हुई, लेकिन पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के कैसे लोग हैं कि उन्हीं लोगों से मिलकर के और उन्हीं के साथ हो गए और हमारे किसानों का भी गन्ने का भुगतान नहीं कर रहे हैं। पैसा वहीं का वहीं पड़ा है, किसानों को नहीं बांट रहे हैं। हमारे नौजवान बेरोजगार हो गए, बड़े पैमाने पे नौकरियां नहीं हैं। प्रधानमंत्री जी आकर के कहते हैं कि दुनिया में हमारे देश को गर्व है, हमारा देश हर सूची में आगे बढ़ रहा है, लेकिन अगर सही तरीके से आंकड़े देखे जाएं, आज हमारा देश हर चीज में पीछे चला जा रहा है। दुनिया के जितने देश हैं तरक्की कर गए, खुशहाली के रास्ते पर हैं, लेकिन हमारा देश पीछे जा रहा है। जहां हमें ज्ञान विज्ञान से आगे बढ़ना था, वहीं हमें और आपको समाज में दीवाले बना दी।
अगर अंग्रेजों ने राज किया था बांट करके, लोगों को बांट करके, दिलों को बांट करके अंग्रेजों ने राज किया था, उससे ज्यादा अगर कोई बांटने का काम कर रहा है हमारे समाज और देश को, तो वो भारतीय जनता पार्टी वाले लोग हैं। और इनका क्या कहना, वैसे तो ये धर्म के ठेकेदार हैं। इनसे पूछो कभी, हमने तो तस्वीरें देखी हैं, कैसे नहाते हैं कुंभ में ये कोई नहीं जानता। और जैसे नहाते हैं, अगर हमारे मुख्यमंत्री जी को देख लोगे तो कभी दोबारा नहीं नहाओगे। और फिर हमारी आपकी बहुत हसरत थी कि कम से कम 56 इंच का सीना दिख जाए, लेकिन वो भी हम कुंभ में नहीं देख पाए। और ये कहते कि राष्ट्रवाद, हमारी सीमाएं अभी भी सुरक्षित नहीं है, अभी भी एक एक दिन एक एक जवान शहीद होकर के आ रहा है। अगर किसी की जिम्मेदारी है तो वो भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी। देश को धोखा दे दिया, इसलिए हम आपसे विशेष अपील करने आए हैं। ये चुनाव परिवर्तन का चुनाव है, देश को बदलने का चुनाव है, ये भाईचारा कैसे बढ़े उसका चुनाव है। हमारे आपके बीच में जो दूरियां पैदा कर दी, उन दूरियों को मिटाने का चुनाव है, और वो नफरत की जो दीवार थी उसको गिराने का चुनाव है। लोग कहते कैसे जीतेंगे, अभी जब उपचुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में, हमें खुशी है इस बात की कि बहुजन समाज पार्टी के एक एक कैडर के कार्यकर्ता ने उसमें सहयोग किया। और उस समय हम लोग गोरखपुर भी जीत गए, फूलपुर भी जीत गए। और इसी धरती पर, इसी कैराना पर, जहां पर दीवार बना दी थी, आपके सहयोग और आपके मदद से वो नफरत की भी दीवार गिराने का काम किया, और वहां भी ऐतिहासिक वोटों से राष्ट्रीय लोकदल जीत गया। इसलिए गठबंधन से घबराए हुए हैं, हम आपसे कहना चाहते हैं कि एक भी वोट घटने ना पाए और एक भी वोट बटने ना पाए। और ये अगर आपने कर दिया तो ऐतिहासिक वोटों से आप जीत करके जाएंगे। और जहां तक सवाल कांग्रेस और बीजेपी का है, अगर कांग्रेस को देखोगे आप नीतियां, और बीजेपी की नीतियों को देखोगे, तो जो कांग्रेस है वही बीजेपी है, और जो बीजेपी है वही कांग्रेस है, दोनों में कोई फर्क नजर नहीं आता। इसलिए हम आपसे विशेष अपील करेंगे कि ये महागठबंधन तो देश में बदलाव लाने के लिए है, लेकिन कांग्रेस पार्टी बदलाव नहीं लाना चाहती, वो उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी बनाना चाहती है। तो आपको सोचना होगा कि कौन से लोग हैं जो देश को बनाना चाहते हैं, त्याग कर कर करके और सब कुछ छोड़ कर करके अगर कोई काम कर रहा है तो ये गठबंधन मिल करके काम कर रहा है। इसलिए हम आपसे कहेंगे कि अगर सड़कों का मामला हो तो गठबंधन ने कितनी सड़कें बनाई हैं। मुझे याद है एक बार तहसील में मिलने देवबंद में आया था किसी से, वो कैसी सड़क थी याद कीजिए उस समय पर। अगर मुजफ्फरनगर से आना है, सहारनपुर के से आना है, तो कब पहुंचते थे पता ही नहीं था। लेकिन बताओ, इतना ऊंचा फ्लाईओवर बन गया, कितनी जल्दी पहुंच जाते हो यहां से वहां, वहां से यहां, ये बताओ जरा। अगर बिजली की समस्या रही होगी तो बिजली की भी समस्या का समाधान किया है, लैपटॉप बांटना पड़ा हुआ लैपटॉप भी बांट दिया। अगर पेंशन देनी पड़ी होगी और वो भी करके दिखा दिया। हम तो कहना चाहते हैं, जो बिजली के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं आप, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की दोनों सरकारें मिला लें, दोनों में जितना बिजली का काम हुआ है उतना भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की 5 साल की सरकार में
और उत्तर प्रदेश की 2 साल की सरकार में काम नहीं किया है, नहीं किया है। और हम तो कहते हैं कि इस गठबंधन ने तो बिजली बनाई है। हमें बताएं कि अगर एक भी मेगावाट उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बिजली बनी हो तो बता दें, एक मेगावाट बिजली नहीं बनी। और दावा करते हैं हजारों गांव में बिजली पहुंच गई। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, ये चुनाव महापरिवर्तन का भी है और दिल्ली के करीब अगर पहुंचाएगा तो दिल्ली के करीब रहने वाले लोग हैं, यहीं से शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। और आज जब नवरात के व्रत हैं, हमने तो संकल्प ले लिया कि मन से कभी बोलेंगे तो झूठ नहीं बोलेंगे। हम निवेदन करना चाहते हैं बीजेपी के लोगों से भी कि अब नवरात्र में कम से कम आप भी संकल्प ले लो कि आप भी आज के बाद से कभी झूठ नहीं बोलोगे। इसलिए आप सबसे अपील करता हुआ कि यहां पर बहुजन समाज पार्टी के बिजनौर के लोकसभा के प्रत्याशी हैं मलूक नागर जी, हम अपने समाजवादी साथियों से कहेंगे कि एक एक वोट इनके पक्ष में डालने का काम करना। फजलुर रहमान साहब हैं सहारनपुर से, तबस्सुम हसनपुरा दोबारा लड़ रही हैं कैराना से, आदरणीय अजीत सिंह जी हैं मुजफ्फरनगर से, हमारे नौजवान साथी जयंत चौधरी हैं बागपत से। हम आपसे निवेदन करते हैं ये सबके सब प्रत्याशी जीते हैं, सबके सब प्रत्याशी ऐतिहासिक वोटों से जीते हैं। ये हमारा और आपका वोट मिलकर के सबका सहयोग जब मिल जाएगा तो अपने आप परिवर्तन दिखाई दे जाएगा। इसीलिए हम आपसे चल करके आए और धन्यवाद भी देना चाहते हैं यहां की जनता का कि जिस समय न जाने क्या क्या बातें हो रही थी लोकसभा केदारनाथ में, यहां की जनता ने सब कुछ भुला करके इस गठबंधन को जिताने का काम किया था। हम आपके बीच में किसान की खुशहाली चाहते हैं, नौजवान की नौकरी और रोजगार दिलाना चाहते हैं, कैसे महंगाई रुके, कैसे देश आगे बढ़े, कैसे तमाम बीमारियां जो आज हैं कैंसर की लीवर की, हमारा गरीब कभी इलाज नहीं करा पाता, हमारे दलित भाई पिछड़े नहीं इलाज करा पाते, उनको सस्ता और फ्री इलाज कैसे इंतजाम हो जाए, वो इंतजाम करने हैं, इनके जीवन में खुशहाली कैसे आए, इनको सम्मान कैसे मिले और परिवर्तन होकर के देश तरक्की और खुशहाली के रास्ते पे जाए, उसके लिए गठबंधन है। हमें उम्मीद है कि सभी लोग मिलकर के, तीनों दल मिलकर के, सभी प्रत्याशियों को जिता करके ऐतिहासिक वोट दे करके उन्हें लोकसभा में पहुंचाएंगे और देश को एक नया प्रधानमंत्री देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आप देख रहे हैं द शूद्र। बहुजन समाज से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके।